हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में रिपेयरिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का फंक्शंस कैसे वर्क करता है ये देखेंगे। रिपेयरिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में हम बिल रिपोर्ट कैसे जनरेट करेंगे आज इस वीडियो में ये देखेंगे। सो बिल रिपोर्ट जनरेट करने के लिए रिपोर्ट मेनू पे क्लिक करेंगे, देन बिल रिपोर्ट सब मेनू पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे डेट वाइज बिल रिपोर्ट भी सर्च कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेट वाइज डिटेल्स हमें शो कर रहा है, जैसे कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर, बिल नंबर, डेट, आइटम, सीरियल नंबर, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, रेट, टैक्स, अमाउंट, अदर चार्ज, डिस्काउंट एंड टोटल अमाउंट, पेड अमाउंट एंड ड्यू अमाउंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड इस रिकॉर्ड को प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल रिपोर्ट हमें शो कर रहा है। हम यहाँ पे पर्पस एंड मोड के अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पे बिल रिपोर्ट सर्च कर सकते हैं, जैसे कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर, प्रोडक्ट नेम, बिल नंबर के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे कस्टमर नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्च करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने जो कस्टमर नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्च किया था तो वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। एंड अगर हमें इस डिटेल्स को एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट करना है तो हम यहाँ एक्सपोर्ट बटन से एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिटेल्स जो है वो एक्सपोर्ट हो चुका है एक्सेल शीट पे। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इस सॉफ्टवेयर में बिल रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू।